आपका हेडलाइन इंडिया पर, मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। इस वक्त पहुंचा हूं राजस्थान के जैसलमेर में, बहुत शानदार शहरों में से एक है। पर्यटक घूमने आते हैं और जैसलमेर के गांव में हूं, जिस गांव का नाम है मूल सागर। सबसे बड़ी बात कि इस गांव में पहुंचने के बाद और सड़क से निकलते हुए मुझे एक जगह दिखाई दी, एक घर और ऊपर लहराते झंडे। झंडे क्यों लहरा रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार दूर दराज तक भी कुछ हुआ है या सिर्फ बातें बातें हुई हैं? और यहां रह रहे लोगों का रहन सहन कैसा है, वो क्या कहते हैं, राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं, यही बताएंगे आज आपको, यही आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आइए घर चलते हैं, कौन वहां पर है उनसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, क्योंकि बीजेपी का झंडा तो यहाँ लग गया है। अब ये पता नहीं ये लगाया गया है या फिर ये खुद इन्होंने लगाया है या किसी बीजेपी के नेता ने प्रचार करते वक्त यहाँ पर बांध दिया। अब ये सवाल है, झुग्गी है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं लोग, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ पर एक शख्स है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? बन्नाराम जी। बन्नाराम जी, तो बन्नाराम जी आप यहाँ रहते हैं? जी सर, यहाँ रहते हैं। आपने तो पेड़ वेड़ भी लगाए हुए, इनके पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए हैं? हाँ सर, ये पेड़ लगाए हैं, कुछ नीम है और कोई जामुन है, ऐसे कुछ। अच्छा, जामुन भी लगाया, नीम भी लगाया है, दरख्त लगाए हैं, छोटे मोटे आम वगैरह हैं, कोई ऐसा कुछ लगाया हुआ। उम्मीद है कि बड़ा हो जाएगा बाद में, अच्छा यहाँ छाया भी देगा और बड़ा हो गया कम से कम। धूप काफी है, टेम्परेचर यहाँ हमेशा हाई रहती है? नहीं, इतनी नहीं रहती, खास गर्मियों में गर्मी ज्यादा नहीं लगती और सर्दी में सर्दी ज्यादा लगती है। अच्छा, सही रहता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सुनाए। और ये हमने देखा, एक तरफ तो चलो भारत का झंडा लगा है तिरंगा, दूसरी तरफ बीजेपी का झंडा, ये किसने लगाया? मैंने लगाया खुद। आपने खुद लगाया कि कोई बीजेपी नेता लगा के चला? नहीं, बीजेपी नेता नहीं, मैं खुद लगा गया। कोई वोट मांगने नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने खुद लगाया। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? ये तकरीबन हो गए 2-3 साल हो गए यहाँ रहते। पहले मोहनगढ़ रहते थे। और कैसे यहाँ पर पहुंचे आप इस गांव में मूल सागर? बस ऐसे कुछ मन किया कि सिटी में जाएंगे तो कोई धंधा वगैरह, वहाँ तो कोई जैसे के मुरबे वगैरह, तो मुरबे वगैरह करते हैं, तो यहाँ तो अपना मुरबे वगैरह तो है नहीं, इसलिए फिर धंधा ये कबाड़ का सब्जी बेचते हैं बस ऐसा कुछ। आप आए कहाँ से हैं वैसे? पाकिस्तान से आए मैं। अच्छा, पड़ोस मुल्क पाकिस्तान से? जी सर। कब आए थे? तकरीबन 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल पहले। कौन सी जगह रहते थे? पाकिस्तान सिटी में रहते, रहीमयार खान में। तो अब आपकी वोट बन चुकी? कुछ बने हुए हैं, कुछ बन रहे हैं। कुछ बन चुके। परिवार में कितने सदस्य हैं? और हमारे तो जो 32 हैं उनके तो नहीं बने हुए, बाकी के सबके बने हुए हैं, बाकी जो। आपने बीजेपी का झंडा लगाया, कांग्रेस वाले नहीं आए कि हमारा भी लगा लो? नहीं, कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, भाजपा सिर्फ। ऐसा क्या कारण है? वैसे वो उनमें समझ आती है कि ये भाजपा जो है मेन सही हकीकत, इसको लोग देख के तो वहाँ से कन्वर्ट होके आ रहे हैं। अच्छा, इनको देख, मोदी जी को देख के आ रहे हैं कि बीजेपी को देख के? मोदी जी को। हाँ, मोदी, लगता है वो कुछ करेंगे? बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें कोई ये शक वाली बात नहीं है, जितना वो कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। अब जिंदगी में क्या बेहतरी आई है? पाकिस्तान में आप रहते थे, 5-6 साल पहले आए हैं, अब भारत में आके कैसा लगा आपको? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हम एक स्वर्ग में आ गए। अच्छा, जन्नत में आप आ गए? हाँ, ऐसे वहाँ थोड़ा ये तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी रहने की, लेकिन यहाँ वहाँ खौफ रहता था, रात को सोने में खौफ होता, यहाँ खौफ नहीं है खाना, एक डर का माहौल था। हाँ, डर बना रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ, क्या वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री भी मारे जाए तो कोई नहीं, कुछ हो सकता था। यहाँ तो कानून है, यहाँ कानून है, और आतंकवादी घटनाएं बहुत होती है, उनसे भी डर होगा। हाँ, वही यही प्रॉब्लम, बाकी लोगों के से नहीं, साथ वाले लोगों से नहीं होती, वही होता है। अच्छा, उनकी कोई शक्ल नहीं होती, वो किसी के नहीं होते ऐसा। अच्छा, इस बार किन मुद्दों के साथ आप वोट देने जा रहे हो? जो सरकार अभी फिलहाल चल रही है आपके राजस्थान में, उसने आपके लिए कुछ किया कि नहीं किया? उन्होंने तो बहुत कुछ किया है और करेंगे, इसकी तो ये है। बाकी दूसरी कांग्रेस में है भाई, कोई बैठा है, मोदी में तो हमारी ये है कि मोदी का कोई आदमी तो आदमी कोई ऐसे कोई झंडा लेके फिरता है, उसको भी दे देंगे वोट। अच्छा, और दूसरे तो कोई हो उसे नहीं। अच्छा, ऐसा विचार। हाँ,
अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो गरीबी की बात थी या गरीबों की बात थी, मोदी जी लगातार करते रहे, लेकिन कुछ हुआ है असली में? कोई फर्क आया है कि नहीं? बहुत हो रहा है काफी। जो गरीब थे पहले, मान लो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट देती थी तो उनमें से 25,000 मिलता था गरीबों को, बाकी खा जाते थे लोग। अब जो ही है गवर्नमेंट दे रही है तो सीधा ही ऑनलाइन है और उनके खाते में आ रहा है सीधा और उनको मिल रहा है, ऐसा कुछ है। और दूसरा, जो यहाँ दबदबा था लोगों का वो कम हो गया है। कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है, क्योंकि वो जो पहले था ना, जैसे कोई था भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो ये कर दो वो कर दो, वो कम है। हाँ जी। तो ये आपके घर में ये अम्मा जी भी है? राम राम जी। और जी क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी, बढ़िया। और कैसा चल रहा है जी आपका काम? बैठे हो? बैठे हो। हाँ, दुआ कर दे पे मोदी साहब नु लोगो कोई। हाँ बैठा हूँ भाई। जो कोई अंजल पानी लिखियोड़ो खाइया, जो कोई लिखियोड़ो है भगवान ने घरों। अच्छा, भगवान करे वो तो मिल ही रहा है। हाँ, वो तो मिल रहा है। गवर्नमेंट कर रही है और हमारे गरीबों की जैसे ये हो रहा है पालन पोषण, ऐसा मोदी जी अगर ये 5 साल दूसरे आ जाता है तो काफी हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर होंगे आप। ऐसा, हाँ, अगर जो दूसरे आ गए तो फिर यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ के लोग जो है ना, पहले जो होते थे वो तो उन्होंने 70-75 साल हुकूमत की है, जो हमारे यहाँ आने से पहले कह रहे हैं लोग, तो हालात बहुत भयानक थे। और कहीं जब झगड़ा वगैरह हो जाता था इनके यहाँ, किसी वो यहाँ किसी को भर्ती नहीं होने देते थे, भर्ती हो ही जाता था कहीं तो उसका वो इलाज वगैरह नहीं सही करने देते थे, भाई छोड़ो ये इसका इलाज नहीं करना इतना। लेकिन यहाँ मोदी जी आए हैं तो इससे मैं, इलाज कुछ मिल रहा है क्या इलाज कहीं? हाँ, इलाज में बहुत कुछ है, जो अगर जिनका बना हुआ है आधार कार्ड, जहाँ वो मासा बन रहे हैं बने हुए हैं उनको मिल रहा है। हाँ, सब कुछ। सर ये कुछ फल है अभी, बाकी तो हमारे यहाँ नहीं थे तो हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमें फल खिलाया। नहीं नहीं जी, बहुत धन्यवाद, आपने चाय पूछी, बहुत ही धन्यवाद आपका। बिल नहीं, बहुत बहुत ही धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो बनसराम से बात हुई रही थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरीके से चल रहा है और कैसे रह रहे हैं। हाँ, मेरे परिवार के ही हैं। और जैसे अब ये है, उम्मीद है, जैसे मोदी जी ने कहा 2021 में 22 में पूरे पक्के घर देंगे, तो ऐसे करके लोग खुश हैं बहुत ज़्यादा। चलो दूसरों को मुरब्बे मिलेंगे तो हमें घर तो मिलेगा, ऐसा कुछ है लोगों की। और ये क्या कहेंगे जो ये हमारे देश में नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, लगातार पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? पाकिस्तान से दोस्ती करें, इसमें कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, ना करे ये नहीं कहते, दोस्ती करे, कारोबार है जो चले, और कुछ लोग जो आ रहे हैं उनको आने दें, और ऐसा कुछ है, वो जो आना पसंद कर रहे हैं उनको आने दें। और जो हमारे फौजी भाइयों को मार रहे हैं उनका क्या कर? फौजी भाइयों की जो है बात, वो तो जैसे वो जैसा जवाब दे रहे तो ईंट से आगे पत्थर से जवाब देना चाहिए। पत्थर से जवाब। हाँ, ये आज खुशी है, जो हमें भी जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी जान देश के लिए देने के लिए तैयार है, अच्छा ऐसी सोच है हमारी। बहुत ही धन्यवाद जी, आपने हमसे बात की तो देखे कितने अच्छी बात कही, सड़क से इतनी दूर घर और घर में रह रहे इन भाई साहब ने जो कहा वो आपने सुन लिया होगा, हमने खाने के लिए बेर भी दिया, तो आप भी आइए राजस्थान देखिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया से, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लगातार वीडियोस आपको इसी तरह की मिलती रहेंगी। और हाँ, चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, नमस्कार।